आज हम बनाएंगे अंडा मैगी मसाला। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए 2 पैकेट मैगी के लिए लिया है। आप जितने लोगों का बनाना चाहते हैं उस अनुसार लीजिएगा। 2 अंडे ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, कुछ हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, मिर्च आप अपने अनुसार लीजिएगा जैसा आप तीखा खाना चाहते हो, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 2 पैकेट मैगी मसाला पाउडर। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें मैगी डाल देंगे। हाई फ्लेम पर 2 मिनट मैगी को बॉयल होने के लिए देंगे। मिनट हो गए, मैगी बॉयल हो गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैगी को एक छलनी में छानकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। इसके बाद एक फ्राई पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें कटे हुए प्याज, कटे हुए शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च डालकर हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। एक मिनट फ्राई कर लेने के बाद उसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। और मैगी मसाला पाउडर के 2 पैकेट भी डाल देंगे और कुछ सेकंड फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। कुछ सेकंड लो फ्लेम पर फ्राई करने के बाद उसमें अंडे डाल देंगे और अंडे को हाई फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। और अंडे को सब्जियों के साथ पकाएंगे। ऐसे चलाते हुए पकाना है। देख सकते हैं अंडे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। जैसे भुर्जी हम बनाते हैं उसी तरह हमें बना लेना है। अब इसमें मैगी डालेंगे। मैगी को भी हाई फ्लेम पर अंडा के साथ फ्राई करना है लगभग 1 मिनट। हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया। बस बनकर रेडी हो गया। अब निकाल लेते हैं। अंडा मैगी मसाला बनकर रेडी हो गया है। आप भी इसी तरीके से इसे झटपट बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।